दोस्तों आपको असली सोने की पहचान कब होती है? जब आप अपना सोना किसी और ज्वेलरी को बेचने जाते हो या जब आप उसको टेस्ट कराते हो। वही आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हेलमेट की पहचान लोगों को है ही नहीं कि हेलमेट की पहचान कैसे करें। 100 रुपए का हेलमेट वो 700 रुपए का ले रहे हैं, 200 रुपए का हेलमेट वो 1000 रुपए का ले रहे हैं, क्योंकि उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हो। जितने भी बाजार में दुकानदार है, शोरूम वाले हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 100 रुपए का हेलमेट 700 रुपए का बेच रहे हैं। तो उसकी पहचान के लिए एक आइडिया मेरे दिमाग में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता ये आइडिया सही है गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक आइडिया। ये एक हैमर है, छोटा सा हैमर, छोटी सी हथौड़ी, इसके दोनों तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है। आप इस हेलमेट, कोई भी आप अगर हेलमेट खरीदने जाते हो तो आप दुकान पर बोलिए हथौड़ी दियो, वो आपको हथौड़ी देगा। ये कोई हेलमेट है मुझे नहीं पता, बाजार से मंगवाया। तो इस हथौड़ी को आप ऐसे मारो, देखो ये हेलमेट टूट गया, ये हेलमेट यहां से टूट गया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस क्वालिटी का हेलमेट ले लो। आप इसमें मारो, देखो ये हेलमेट का क्या हुआ, ऐसे ही ये दूसरा हेलमेट ले लेते हैं। तो ये सब वो हेलमेट है जो आप 500, 700, 800, 1000 रुपए के ले रहे हैं। इनके पीछे ISI मार्क भी लगा हुआ है और आप ये लोग हेलमेट ले रहे हैं। तो ये प्लास्टिक की हथौड़ी है दोस्तों, छोटी सी, आप इसको मारो तो देखो हेलमेट को क्या हो गया। आप देख सकते हैं कि हेलमेट का क्या हाल हुआ, ये इसका शीशा है, आप देख सकते हैं शीशे का क्या हाल हुआ। तो ISI मार्क हेलमेट, ओके, ये देखिए, ये रही हथौड़ी, देखिए क्या हुआ इसका, फिर भी ये थोड़ा सा ठीक है। और ये इसका शीशा, ये देखिए, ये ISI मार्क हेलमेट है, इसका हाल देखिए क्या हुआ। ये हेलमेट वही है जो आप 100 रुपए का हेलमेट, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 का लेते हैं। ये देखिए क्या हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, इसका शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये जैसे आप सोने की पहचान नहीं कर पाते, सोना भी आपको तभी पता चलता है जब आप टेस्ट कराते हैं या किसी और ज्वेलरी के पास जाते हैं, ऐसे ही हेलमेट का हाल है। पर ये हैमर सोने की मशीन की तरह तो नहीं है टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये हैमर वो सारे काम कर रहा है। ये भी ISI मार्क हेलमेट है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या हुआ इसका, ये ISI मार्क हेलमेट है, देखिए क्या हुआ इसका। ये वही हेलमेट है भाई दोस्तों, ये देखो, ये इसका शीशा टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये है आपका अपना स्टीलबर्ड, स्टीलबर्ड हेलमेट्स। आकाश हेलमेट दियो, आपका अपना स्टीलबर्ड, ISI मार्क, आपका अपना स्टीलबर्ड, कहीं भी मारो आप इसके ऊपर कूद जाओ। शायद आपने मेरी वाइजर्स की बहुत वीडियोस भी देखी होंगी जिसके ऊपर ट्रक चलाए गए, बस चलाई गई, छत से फेंका गया। हमारे वाइजर्स को भी कुछ नहीं होगा, आप जो मर्जी करो, क्या मर्जी करो, आप हेलमेट्स को कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों ये है रियल ISI मार्क हेलमेट। तो ये ISI मार्क हेलमेट की पहचान करने के लिए जब भी आप हेलमेट खरीदने जाए, रिटेलर को बोले कि हैमर है, हैमर से टेस्ट करें, अगर हेलमेट टूट गया तो इसका तो वो नकली ISI मार्क हेलमेट है। इट्स वेरी सिंपल। सो दोस्तों सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जान, सबसे इंपॉर्टेंट है जान है तो जहान है। जिस तरीके से आप नकली सोना नहीं लेना चाहते, उस तरीके से आपको नकली हेलमेट भी नहीं लेना चाहिए। अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई क्योंकि मैंने देखा कि 100-100 रुपए के हेलमेट लोग 1000-1000 रुपए के बेच रहे हैं, और नकली हेलमेट बनाना, नकली हेलमेट बेचना एक नकली दवाइयां बेचने के मुकाबले है। मैं सारे समाज से, अपने सारे भाइयों से जो नकली हेलमेट बनाते हैं उनसे अनुरोध करता हूं, जो नकली हेलमेट बेचते हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि नकली हेलमेट बनाना और नकली हेलमेट बेचना नकली दवाइयां बनाने और नकली दवाइयां बेचने के समान है। कृपा ऐसा ना करें। थोड़े से पैसों के लालच में आके इंसान को उसको जहर ना दे।
आप नकली आईएसए मार्क हेलमेट इंसान को दे रहे हैं, जो सड़क पे जब एक्सीडेंट होगा तो आप ट्रोमा सेंटर में जाके देखें, जब एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रोमा सेंटर में जाके देखें कि डॉक्टर्स प्लास्टिक के टुकड़े उस एक्सीडेंट वाले इंसान के दिमाग में से निकाल रहे होते हैं, उसके दिमाग में उसी टूटे हुए हेलमेट के प्लास्टिक के टुकड़े घुसे हुए होते हैं और वो हेलमेट ही उसकी जान ले लेता है। थोड़े से पैसों की वजह से हम जीवन दान तो दे नहीं सकते, हम भगवान नहीं है, हम जीवन दान नहीं दे सकते इंसान को, तो जान लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। तो मेरा पूरे समाज से, सारे हेलमेट परिवार से यह अनुरोध है कि वो ना नकली हेलमेट बनाए ना नकली हेलमेट बेचे। जय हिंद।